टू मेक मैथ इजी सब्सक्राइब माई चैनल टेक्निकल मैथ्स बाय प्रदीप सोनी एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट मैथ वीडियो विद शॉर्ट ट्रिक्स। सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 15 यूनिट फर्स्ट सेक्शन सी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है मीडियन और इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास इनकम्प्लीट है। आप देख रहे हो क्वेश्चन में दो जगह डैश है, हमको पहले वो फाइंड करना है और इसके बाद हमें इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो जो डैश है इसकी जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स और ये हो गया वाई। जैसे हमें देखा है मीडियन मार्क्स इज 32 मीन्स इसका जो इंटरवल है आपके पास 30 to 40, इसमें जो है इसका मीडियन है। इसका मतलब इस इंटरवल का हम यूज लेंगे, इसका मतलब 32 की वैल्यू 30 to 40 के बीच में आएगी। इस इंटरवल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहले मीडियन के लिए हम जानते हैं ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10 प्लस एक्स, इसमें 25 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35 प्लस एक्स, अगेन इसमें 30 प्लस करेंगे तो 65 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसमें 10 और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये जो है हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू ये भी कितनी आ जाएगी, 75 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाती है। ओके, अब देखते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले देखो आप एक इक्वेशन निकालते हैं सिग्मा एफ की वैल्यू, आपको देखा 100 पीपल्स, देन 75 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। ओके, आपके पास सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास आई है, सिग्मा एफ आपके पास आया है 75 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू आपको गिवन है 100 की, 100 पीपल्स, देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 75 देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 25। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि x प्लस वाई की वैल्यू 25 क्यों आई, बिकॉज आपके पास सिग्मा f की वैल्यू 100 दे रखी है और आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने कहा है 75 प्लस x प्लस वाई, इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से सिग्मा f की वैल्यू 100 के इक्वल लेने से x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25। ओके, आपको मीडियन कितना गिवन है, मीडियन गिवन है 32 40, मतलब 32 गिवन है, इसलिए इस इंटरवल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इस इंटरवल का। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, देखिए आप, मीडियन होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये मीडियन का फॉर्मूला है। यहां पर देखें एन बाई टू की वैल्यू तो आप इजीली जानते हो, एन बाई टू मीन्स 100 अपॉन टू, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 50। एल सी एफ और एच इसकी वैल्यू और निकालते हैं, देखिए ये वैल्यू एल की आ जाएगी लोअर लिमिट, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी की और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एफ की। सभी वैल्यूज रख लेते हैं, हमारे पास मीडियन की वैल्यू गिवन है 32, मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है 32, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। देखिए आप 32 इक्वल है एल की वैल्यू आपके पास है 30, ये हमने 30 रख दिया, एन बाई टू की वैल्यू कितनी है 50 माइनस सी की वैल्यू कितनी, देखो 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 30 इंटू एच की वैल्यू है 10। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 30 इक्वल आ जाएगा, देखो 10 कैंसिल, ये 50 माइनस 35 माइनस एक्स अपॉन 3, माइनस से घटाएंगे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये दोनों प्लस के थे ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 2, 50 में से 35 माइनस करेंगे 15 माइनस एक्स अपॉन 3,
ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 इक्वल आ जाएगा 15 माइनस x, देन x की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 6, तो x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 9। अगर x की वैल्यू आपके सामने 9 आती है, इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में जब आप x की वैल्यू रखते हो आपको क्यों है x प्लस y इक्वल 25, यहाँ पर आपने x की वैल्यू 9 रखा, 9 प्लस y इक्वल 25, देन y इक्वल आ जाएगा 25 माइनस 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 16। तो x की वैल्यू आपके सामने आती है 9 और y की वैल्यू आपके सामने आ जाती है 16। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। अब आपको इसमें निकालना है मीन, व्हाट इज द मीन मार्क, देन इसके लिए आपको मीड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीड वैल्यू के लिए आप देखो क्या निकालोगे, मीड वैल्यू 0 से 10 के बीच की मीड वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 10 टू 20 के बीच में कितनी आ जाएगी 15, 20 टू 30 25, फिर 35 फिर 45 एंड 50 टू 60 55। ये आपके पास है एक्स की वैल्यू, या क्रॉस किसकी वैल्यू है एक्स की, ठीक है। यहां पर आपके पास वैल्यू है एफ की, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास, तो अब आप निकालोगे एफ एक्स, एफ एक्स मतलब 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ जाएगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा, 30 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा, 60 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 550। इन सबको प्लस कर देते हैं, इनको जब प्लस करते हैं तो वैल्यू देख लीजिए कितनी आ जाएगी 550 678 13 14 15 16 17 18 18 5 23 7 14 20 21 3130। ओके, एक्स बार की वैल्यू आपके सामने कितनी आती है, एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 3130 अपॉन 100, तो आपके पास जो इसका मीन मार्क आ जाता है वो आ जाता है 31.30 या 31.30। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें एक तो आपको कंसेप्ट समझना है कि यहाँ पर जो 32 मिलियन दे रखा है ये किस इंटरवल में होगा 30 to 40, दूसरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको अच्छे से ज्ञात करना इसमें आ गया होगा, और मीन तो ईजी है ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।